ये बात सही है कि चोर चोरी करके कितना भी भाग ले, मगर पुलिस पीछा नहीं छोड़ती। किसान कॉलोनी के रहने वाले एडवोकेट प्रताप सिंह 5 दिन के लिए अपने परिवार सहित बाहर गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था। मौका पाकर पास में पड़ी झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोगों ने 15 लाख कीमत के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर लौटने पर प्रताप सिंह ने जब सारा सामान बिखरा देखा तो उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने इस मामले पे कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 21/9 को श्री प्रताप सिंह सैनी हैं, एडवोकेट हैं, जो कि किसान कॉलोनी में रहते हैं। तो उनके घर में रात के समय गृह वेतन की एक वारदात हुई थी और उस जो वारदात है उसके संबंध में जो जिला पुलिस रिवाड़ी है उसने PS मॉडल टाउन में हमने मुकदमा दर्ज किया था और आगामी कार्रवाई करते हुए जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने रेड्स की हैं विभिन्न जगहों पर और इसमें 5 व्यक्तियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और 2 व्यक्तियों को इन्होंने जो एक्यूज थे हमारे उनको पहले गिरफ्तार किया था। उनका पुलिस रिमांड 2 दिन का हमें माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ था। उसके बाद 3 और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त थे तो टोटल ये 5 व्यक्ति इसमें संलिप्त थे उनको हमने गिरफ्तार किया है और जो भी गृहभेदन के समय जो भी जो ऑर्नामेंट्स और जो कैश जो था जो इन्होंने चुराया था उसको भी पुलिस रिकवर करने में कामयाब रही है। करीबन 15 लाख जो रुपीज़ वैल्यू का ये सामान है और इसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं और कुछ सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं और कुछ कैश। वारदात को किस प्रकार अंजाम दिया था जो मकान मालिक थे? पास की ही एक जो जो मेकशिफ्ट जो झुग्गियाँ हैं उसमें अभी अभी आए थे ये लोग और एज ए रैग पिकर ये काम करते हैं और रात के समय इन्होंने उस घर को ये जो परिवार था जो कंप्लेनेंट का परिवार था वो घर पे मौजूद नहीं था और इनको कहीं से इस बात की सूचना मिल गई और इन्होंने फिर रात के समय में ये गृहभेदन किया है। टीका जो है मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में उसके बैक साइड से ये बात क्रिमिनल एंटीसीडेंट हमने इनके चेक किए हैं 5 ही क्रिमिनल्स के और कंसर्न हम जो इनके जो लोकल पुलिस स्टेशन है हम उसमें भी लिख रहे हैं। तो जो प्रथम दृष्टा जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर कुछ दिनों से ही आए हैं ये। तो अभी तक कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट इनका इस केस के अलावा कोई नहीं प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ कि बार बार पुलिस प्रशासन आगाह करता है कि कोई भी आप किराएदार रखते हैं आप कोई भी करके अंदर आप नौकर रखते हैं तो उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कराने के लिए पुलिस को भी सोच सकते हैं लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। हमने बार बार जो यहाँ के नागरिक हैं जिला रिवाड़ी के उनसे अपील की है अगर किन्हीं कारणों से या कोई पर्सनल रीज़न से वो कभी भी बाहर जाते हैं तो एटलीस्ट हमारी जो चौकी हैं हमारे जो थाना है उनको वो इंटीमेट करें ताकि अगर उनके पीछे से घर लोक है तो हमारी जो हम जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं या जो हमारी PCRs हैं हम उनको वो नंबर नोट करा सकें और उन एरियाज़ की एक इंटेंसिव और स्पेसिफिक पेट्रोलिंग हो सके। हम बार बार मीडिया के माध्यम से भी और प्रेस में भी हम बार बार ये जारी करते रहते हैं। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।